यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना लगभग तय हो गया है। बीजेपी और संघ के साथ हुई बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, योगी मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। 5 से 7 नए चेहरे होंगे शामिल। ब्राह्मणों को साधने की तैयारी। जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। संजय निषाद भी बन सकते हैं मंत्री। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी सियासी दल अपने अपने तरीके से वोटर्स को साध रहे हैं। जमकर जातीय समीकरण साधा जा रहा है, लेकिन बीजेपी 2022 में यूपी को हर हाल में जीतना चाहती है, इसलिए यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना लगभग तय हो गया है। बीजेपी और संघ के साथ हुई बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को जगह दी जाएगी, उस पर भी सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार में अब उन नेताओं को जगह मिल सकती है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई, ताकि बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक किया जा सके। इनमें सबसे पहला नाम निषाद पार्टी के संजय निषाद का है। संजय निषाद बन सकते हैं मंत्री। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। ऐसे में अब संजय निषाद को यूपी कैबिनेट में जगह देकर इसकी भरपाई की जा सकती है। राजभर समुदाय पर बीजेपी की नजर। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजभर समुदाय के किसी नेता को यूपी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। पहले ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्होंने अपना अलग मोर्चा बना लिया है। ब्राह्मणों पर टिकी बीजेपी की नजर। बीजेपी की नजर ब्राह्मण चेहरे पर भी टिकी है, क्योंकि हाल ही में बीएसपी, कांग्रेस और सपा तीनों ने ही ब्राह्मण समुदाय को लुभाने की कोशिशें की हैं। लिहाजा योगी सरकार में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद की एंट्री हो सकती है। उन्हें विधान परिषद के जरिए मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। योगी मंत्रिमंडल की वर्तमान स्थिति की बात करें तो योगी मंत्रिमंडल में 23 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 22 राज्य मंत्री हैं, यानी मंत्रियों की संख्या 54 है। नियम के मुताबिक अभी 6 मंत्री पद खाली हैं। माना जा रहा है कि ओबीसी ब्राह्मण के साथ ही अन्य जातियों को साधने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।